मांडा थाना क्षेत्र के बरहा कला गांव में शुक्रवार को करीब 4:30 बजे के आसपास पेड़ काटने के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें राधेश्याम बिंद उम्र 55 वर्ष पुत्र महादेव की मारपीट के दौरान धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और वही अशोक कुमार, उमेश कुमार, विनोद कुमार, इंदु देवी, गुड़िया अंजलि, सिद्धार्थ समेत एक ही परिवार के कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पर दिघिया चौकी के उप निरीक्षक दिवांशु पांडे दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष से शिवचंद दीपचंद पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि विवाद में शामिल राधेश्याम, पप्पू, दीपक, शुभम, सोनी व विपक्ष के दो दामाद भी शामिल थे, जो मौके से फरार है। उक्त घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो दो पक्षों में जमीनी विवाद का मामला बताया जा रहा है। वहीं शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे आसपास मृतक विपक्ष राधेश्याम बिंद परिवार के साथ मृतक जमीन के समीप लगे पौधों की कटाई करने लगा। इसी दरमियान दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया, जहां श्यामलाल की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई, जबकि मृतक परिवार के करीब आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें पुलिस इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। न्यूज़ इंडिया 9 प्रयागराज से रोहित सिंह की रिपोर्ट।